हाय फ्रेंड्स, आज आपका हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। आज हमारे पास मारुति कंपनी की रिट्स गाड़ी आई है, जिसका प्रॉब्लम क्या है हम आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड, ये जो क्लस्टर मीटर है, क्लस्टर मीटर का लाइट देखिए, जब हम इग्निशन ऑन करते हैं तो सारी लाइटें ब्लिंक करती है। कभी कभी तो डिस्प्ले पे कोई लाइट भी नहीं आता है। अभी देख सकते हैं, अभी जैसा ब्लिंक कर रहा है, तो इस क्लस्टर मीटर में क्या प्रॉब्लम है उसे हम ओपन करके चेक करेंगे कि लाइट सारी क्यों ब्लिंक करती है। आप देख सकते हैं, आपके सामने हम इग्निशन ऑन कर रहे हैं, जब हम इसका इग्निशन ऑन करते हैं तो सारी लाइटें ब्लिंक करती है। ये देख सकते हैं, स्टार्ट करने के बाद भी इसके डिस्प्ले की जो लाइट है वो ब्लिंक करती है। ये देखिए, ये हमने गाड़ी स्टार्ट किया है, देख सकते हैं किलोमीटर का जो काटा है वो भी कभी कभी नहीं उठता है, देख सकते हैं। और पूरी जो पेट्रोल की लाइट है, इसमें जो पेट्रोल का गेज बताता है उसकी भी लाइटिंग ब्लिंक करती है। इसमें कोई डिस्प्ले का लाइट कभी कभी एकदम गुल हो जाता है, ना पेट्रोल का रीडिंग भी बताता है, ना किलोमीटर का रीडिंग बताता है, ना पेट्रोल का गैस बताता है, कुछ नहीं बताता है, ना टाइमिंग बताता है, ना टाइम बताता है। देख सकते हैं फ्रेंड, तो हम इसका मीटर ओपन करेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम था कि ये सारे प्रॉब्लम आ रहे थे। इसका देख सकते हैं फ्रेंड, इसका हैंड ब्रेक का लाइट भी कंटिन्यू ब्लिंक करते रहता है, जलते रहता है, तो इसे भी हम सॉल्व करेंगे। पहले तो सबसे पहले इसका डिस्प्ले ओपन करेंगे। तो हम इसका फ्रेंड क्लस्टर मीटर ओपन करने जा रहे हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। अंसारी जी, क्लस्टर मीटर ओपन करने के लिए सब चीज़ लीजिए। सबसे पहले तो हम एसी का वेंट ओपन करेंगे। ये इसका एसी का वेंट है, राइट साइड का। ये देख सकते हैं, ये इसका कवर है फ्रेंड। इसके अंदर दो स्क्रू आता है, ये देख सकते हैं, एक इधर है और यहाँ पे अंदर आता है, देख सकते हैं। दूसरा फ्रेंड, यहाँ पे स्क्रू एक आता है, तो इसका दोनों स्क्रू हम ओपन करके क्लस्टर मीटर बाहर निकालेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि फाइनली प्रॉब्लम क्या है। इसके पीछे का सॉकेट निकालिए, देख सकते फ्रेंड, इसके पीछे एक सॉकेट है, एक ही सॉकेट है जिसको हम ओपन करके क्लस्टर मीटर बाहर लेंगे। जैसा कि फ्रेंड, एक क्लस्टर मीटर हमने बाहर ले लिया है, तो हम इसे ओपन करके चेक करेंगे कि इसके अंदर पानी वानी या कोई कार्बन वार्बन कुछ रस वस तो नहीं पकड़ा है। फाइनली फ्रेंड, हम इसका क्लस्टर मीटर ओपन कर रहे हैं, देख सकते हैं इसके अंदर चार स्क्रू दिया है। ये चार स्क्रू को हम ओपन करेंगे और इस साइड में दो लॉक है, ये साइड में एक लॉक है। इसको लॉक को ओपन करके फिर इसको बाहर निकालेंगे, आपको दिखाते हैं। फ्रेंड, फाइनली हमने इसका पीछे का जो कवर आता है उसे ओपन किया है, इसे भी ओपन करके देखते हैं। ऐसा इधर तो कुछ दिखता नहीं है, रश वश पकड़ा हुआ, आप देख सकते हैं। अभी अंदर के साइड देखते हैं कुछ है कि नहीं। फाइनली फ्रेंड,
आपने देखा था कि हमने इसको ओपन किया था, तो इसमें फैन कोई कार्बन और कुछ नहीं पकड़ा है, तो इसका मीटर का ही प्रॉब्लम है, कोई आईसी वैसी गया रहेगा, तो हम ये मीटर रिपेयर वाले को देंगे और उसका रिपेयर करके ला के गाड़ी में फिट करके चेक करेंगे इसका प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं होता है। जैसा हमने ओपन किया था वैसे इसको फिटिंग कर देते हैं और ये मीटर मीटर वाले को जो फाइनली इसका मीटर रिपेयर करता है उसको हम देंगे और चेक करेंगे कि इसमें क्या गया है। फाइनली फ्रेंड आप देख सकते हैं हम इसका मीटर रिपेयर करके लाए हैं, अब इसे हम गाड़ी में फिट करते हैं। इसका पहले तो सॉकेट लगाते हैं और उसका चेक करते हैं। देख सकते हैं इसका सॉकेट है, हमने सॉकेट लगा दिया है। फिलहाल तो इसे शॉर्टकट में फ्रेंड सॉकेट लगा के एक बार चेक करते हैं कि हमारे जो प्रॉब्लम था सॉल्व हुआ कि नहीं, उसके बाद इसे हम फाइनल करेंगे। फ्रेंड अब हम गाड़ी का इग्निशन पहले ऑन करके आपको दिखाते हैं जो हमारा लाइट ब्लिंक हो रहा था बंद हुआ कि नहीं। तो देख सकते हैं फ्रेंड हमारा जो लाइट ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है, क्योंकि आप देख सकते हैं मीटर का जो लाइट था जो रीडिंग वीडिंग दिखाता है सब ब्लिंक कर रहा था। अब हम स्टार्ट करके देखते हैं किसकी सारी लाइटें जाती है कि नहीं जाती है। तो फ्रेंड अब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, आप देख सकते हैं ये हमने गाड़ी स्टार्ट किया, ये देख सकते हैं फ्रेंड इसका जो हैंड ब्रेक का लाइट था वो भी कंटिन्यू नहीं जाता था। अब हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए डोर बंद कीजिए, देख सकते हैं फ्रेंड अब किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना लाइट ब्लिंक कर रहा है, ना किलोमीटर का जो ये लाइट था ये डिस्प्ले का लाइट ये भी ब्लिंक नहीं कर रहा। देख सकते हैं यह हमारा गाड़ी प्रॉपर तरीके से ओके हो चुका है। इसमें फ्रेंड क्या हुआ था, एक आईसी आता है जो इसे कंट्रोल करता हुआ, आईसी शॉर्ट हो गया था, इसके वजह से मीटर का जो कैपेसिटी रहता है वो लोड नहीं ले पा रहा था, इसके लिए लाइट इसका ब्लिंक कर रहा था और डिस्प्ले का भी लाइट ब्लिंक कर रहा था और पेट्रोल वेट्रोल का कोई भी रीडिंग काटा पॉइंट कुछ भी नहीं दिखा रहा था। ठीक है फ्रेंड तो ये हमारा गाड़ी ओके हो चुका है। अब इसे जो हमने कवर ओवर खोला है, एसी का जो कंसोल वंसोल खोला है उसे सब फिट करेंगे और उसके बाद ये गाड़ी को फिर से एक बार चेक करेंगे। तो फाइनली फ्रेंड अब देख सकते हैं हमने इसका क्लस्टर मीटर फिट कर दिया है पूरी तरह से, ये जो कवर ओवर खोला था एसी का कंसोल खोला था सब हमने फिट कर दिया है। अब हम इसे चालू करके आपको दिखाते हैं। तो फाइनली फ्रेंड ये आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं लाइट वाइट भी ब्लिंक नहीं कर रहा है, इससे पहले हमने आपको दिखाया था कि इसका लाइट ब्लिंक कर रहा था, तो ये हमारा रेडी हो चुका है फ्रेंड। तो कस्टमर का एक और कंप्लेंट था फ्रेंड कि इसका किलोमीटर का जो रीडिंग है वो डिस्प्ले में दिखता भी नहीं था, बढ़ता भी नहीं था, और ये जो RPM है किलोमीटर का ये भी RPM उठता नहीं था। तो हम इसका टेस्ट ड्राइव लेंगे और उसका चेक करेंगे ये जो ये भी जो फॉल्ट है वो क्लियर हुआ है कि नहीं। ठीक है फ्रेंड तो हम आपके सामने इसका टेस्ट ड्राइव लेते हैं और आपको दिखाते हैं। किलोमीटर का जो काटा है देख सकते हैं ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ये भी नहीं चलता था वो भी चालू है, देख सकते हैं देख सकते हैं 20 के स्पीड में हमारी गाड़ी चल रही है और इसका जो किलोमीटर का रीडिंग है वो भी हम आपको दिखाते हैं। थोड़ा गौर से कैमरामैन जरा किलोमीटर का रीडिंग, एक सेकंड रुक जाइए जरा, हम गाड़ी ऊपर किलोमीटर कितना है और हमारा ट्रेस ड्राइव मारने के बाद कितना किलोमीटर होता है वो भी हमको दिखाना है, क्योंकि इसका किलोमीटर भी चेक करना पड़ेगा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो फाइनली फ्रेंड अभी आप देख सकते हैं अभी हमारा जो किलोमीटर है वो आपको हम थोड़ा नजदीक से दिखाते हैं। अभी हमारा किलोमीटर है 47, देख सकते हैं फ्रेंड
अभी हमारा किलोमीटर है 47643, तो हम इसका टेस्ट ड्राइव लेके उसके बाद चेक करते हैं इसका किलोमीटर का जो रीडिंग है वो बढ़ता है कि नहीं। तो फाइनली फ्रेंड हम इसका देख सकते हैं हम इसका टेस्ट ड्राइव लेके आ चुके हैं। हम अपने गैरेज पे आ गए हैं, ये देख सकते हैं। हम आपको अब इसका किलोमीटर का जो रीडिंग है वो दिखाते हैं, 47648 है। जब हम इसको टेस्ट ड्राइव पे लेके निकले थे तो 47643 था, तो फाइनली हमने इसको 5 किलोमीटर रनिंग किया है। देख सकते हैं इसका किलोमीटर का जो रीडिंग वो भी बढ़ रहा है, स्पीड किलोमीटर का जो आता है वो भी काटा बढ़ रहा है। और एक बार चाहिए तो फ्रेंड हम आपको स्टार्ट करके दिखा देते हैं, इसका जो प्रॉब्लम था ब्लिंकिंग का वो भी सॉल्व हो चुका है, देख सकते हैं। तो फाइनली फ्रेंड ये हमारा वीडियो पूरा हो चुका है और ये गाड़ी का जो भी प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो चुका है। अब ये गाड़ी हम बिंदास कस्टमर को डिलीवरी दे देंगे।